हेलो एवरीवन, मैंने आपसे कहा था ना कि करेक्शन जब आएगा तब बता के नहीं आता है। वैसे भी अगर एनडीए ज़्यादा सीट भी ले आती तो मैं सामने आके आपको बोलता कि मेरा आंकलन 295 एग्जैक्ट 295 नंबर्स पे चल रहा था। 295 टू 305, 310, ये 400 पार। क्यों फालतू में? अरे भाई, ग्राउंड रियलिटी है। अगर एनडीए ले भी आती ना 350, 360 व्हाटएवर, मार्केट फिर भी थ्रू 3% करेक्शन आना ही था। सो डोंट बी सरप्राइज्ड। मैंने आपको लास्ट मेरे वीडियोस देखी है, एक्सपीरियंस का और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता ना। और आई एम हम्बल इनफ टू से दैट आप में से ज़्यादातर लोगों ने भरोसा किया तो आज आप शायद बच गए होंगे और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने आपको बचा लिया होगा, आई एम श्योर। बट काफ़ी लोग आज मार्केट से साफ हो जाएंगे क्योंकि वो या तो बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, फालतू के अलग यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, जो लोग बड़े मियाँ बनने का दावा करते हैं उनको फॉलो करते होंगे, और वट एवर इट इज़। एनी वे, दिस स्टॉक डिज़र्व्स अटेंशन बिकॉज़ ये बिल्कुल पॉलिटिकल हवा के विपरीत अपना एक पोजीशन बनाया जा रहा है। द कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स सीईओ एंड ये काफ़ी नीचे करेक्ट हो चुका है और अभी बहुत अच्छे लेवल पर दोबारा मिल रहा है एंड इट्स मेड अ डबल बॉटम। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये मो आपके प्रॉफिट भाई की गारंटी है। गारंटी मतलब ये नहीं कि स्टॉक कितना चलेगा, गारंटी ये कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मैं बात कर रहा हूँ नवीन फ्लोरीन की। नवीन फ्लोरीन इज़ अवेलेबल अराउंड 3000 रुपीज़। आई मीन 2950 इस गिरावट में अगर मिले तो मैं अगर हूँ तो मैं अपना 30-40% 100 रुपये में से 30-40 रुपये डाल के रख दूँगा, और नीचे गिरे तो उसको एवरेज करेंगे। बट 2950 पे यहाँ से गिरावट कम है, ये स्टॉक ऊपर ज़्यादा चलेगा। फंडामेंटल्स आर इन प्लेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टॉक ये बिल्कुल नहीं है। अनदर रीज़न इज़ कंपनी हैज़ गॉन थ्रू हेल। 5000 रुपये से करेक्ट होके 40% करेक्ट हुआ है। न्यू सीईओ हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड जो एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना पीछे लटकती तलवार थी कंपनी के, वो अब निकलती हुई दिख रही है। इमीडिएट गेन तो नहीं, बट मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का एक साल का होराइज़न है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मेरे चैनल पे आप देखते होंगे मैं ट्रेनिंग एनालिसिस, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या स्टॉक मार्केट हो, थैंकफुली वी डोंट हैव अ सेबी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल ओपिनियन देना अब तक सेबी का रेगुलेशन नहीं है। तो भाई, अगर कोई सेबी का रेगुलेटर है तो वो समझ जाओ, अपने घर को पहले ठीक करो, बाद में दूसरे लोगों के पीछे पड़ना। एनीवेज गाइस, दिस 3 मिनट एनालिसिस वाज फॉर नवीन फ्लोरिन। सी यू लाइव टुनाइट 9:25।